ये 63A की आपकी जमात कैसे हिमायत कर सकती है? आपकी एक जमहूरी जमात है और आपकी जमात भी नहीं चाहेगी कभी कि आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ चले जाएं और या उधर से लोग इधर आ जाएं या लोगों की खरीदो फरोख शुरू हो जाए, पता चल जाए कि जी लोग देर अवेलेबल एनअप फॉर सेल, सिंध हाउस में इकट्ठे हो जाए, छांगा मांगा में इकट्ठे हो जाए। आप तो ये नहीं चाहेंगे ना राज साहब? तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम इतने दानशमंद, हमारा इतना सीरियस मन कब से हो गया है? मैं तो समझता हूँ होना चाहिए, हमें 1973 के आइन का ख्याल रखना चाहिए और ख्याल होना भी चाहिए। तो ये 10 अप्रैल 2022 को क्या हो रहा था कि एक डिप्टी स्पीकर सूरी साहब जो फरमान जारी कर रहे थे और न्याजी साहब की तरफ से जो समरी मूव हुई और प्रेसिडेंसी तैयार बैठी हुई थी मुल्क के अंदर जमहूरियत को बुलडोज करने के लिए, तो ये जमहूरियत और आइन वहां इजाजत देता था? नहीं, मैं समझता हूं अदम एतमाद का ऑप्शन हमारे पास था, तो आज पीटीआई के पास है, तमाम पार्टीज के पास है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो हम मूव करते हैं कानून के मुताबिक और वही एमकेएम, वही चौरी शहजाद साहब, वही जैन भुक्ति साहब, अख्तर मैंगल साहब जो उधर थे वो हमारी तरफ आ गए तो हम अदम एतमाद में कामयाब हो गए। और मेरा ख्याल ये है कि ये 76 साल में पहली दफा अदम एतमाद कामयाब हुआ था, प्योर पार्टी के दौर में भी किया गया था लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद आगे चलते हैं कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि सूबाई या नेशनल असम्बली हम 5 ईयर के लिए जैसे भी 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हुआ, आरटीएम सिस्टम को अब भी नींद सला दिया गया, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। उसके नतीजे में जो सूबाई गवर्नमेंट आई थी, आया जो सूबाई गवर्नमेंट तोड़ी गई 5 साल से पहले वो भी कानून में था और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी तोड़ा गया। क्यों? गैर कानूनी था? नहीं सब गैर कानूनी था। गैर कानूनी, अगर गैर कानूनी नहीं था तो कानूनी भी मुझे फिजिबिलिटी उसकी बताएगा वो कैसे फिजिबल था कि आपकी आवाम आपको 5 साल के लिए गवर्नर को कहानी खत्म, 5 साल के लिए वोट देते हैं और 5 साल का टनोर आप जो 14